हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी, के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं। जीडीसी की नई भर्ती आई है और नई भर्ती में इतने सारे पद है, लोको पायलट के साथ साथ ट्रेन मैनेजर की भी। जैसा कि पिछले कई दिनों से आपने देखा होगा, अलग अलग डिवीजन पे डिपार्टमेंटल कोटे की 50% डिपार्टमेंटल कोटे की भर्तियाँ निकाल रहे हैं, उसमें लोको पायलट के जो है बंपर पद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस जीडीसी की भर्ती में पहली बार जीडीसी के अंदर इतने सारे पद आए हैं। और देखिए, यहाँ पे लोको पायलट के साथ साथ आपको गुड्स गार्ड के भी पद यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। स्टेशन मास्टर की भर्ती क्यों नहीं आई इसके अंदर और कब आ सकती है, और देखिए दोस्तों यहाँ पे कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे, बहुत बड़ी खुशखबरी एक तरह से है। अगर इस पर्टिकुलर जोन में अगर आप हो और आप इसमें एलिजिबिलिटी है आपके पास में एलपीओ ट्रेन मैनेजर की, तो यकीन मानिए आपका यहाँ पे 2024 के अंदर सिलेक्शन होने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि जो भी भाई लोग जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तीन बुक्स किरण पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स के लिए आप ये बुक प्रिपेयर कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए आप ये बुक प्रिपेयर कर सकते हैं और जनरल अवेयरनेस के लिए आप ये बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। तीनों ही बुक में खास बात यह है कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं। इसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन है, इसमें 8,700 प्लस क्वेश्चन है और इसमें आपका सारा कुछ सिलेबस इसमें कवर किया गया है। वन लीनियर अप्रोच है। ये तीनों बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। इन तीनों ही बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो रीजनिंग इसमें आपकी कंप्लीट हो जाएगी मैथमेटिक्स से और जनरल अवेयरनेस इससे। रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एलपी, आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई, ग्रुप डी, सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो इनका जो है ऑनलाइन बाय करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑफलाइन किसी भी नियरबाय स्टोर से जाके खरीद सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पे आप जीडीसी का नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। साउथ ईस्टर्न रेलवे SER का है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। और यहाँ पे देखिए डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी कल की डेट का 13/5/2024 को ये पब्लिश हुआ है। और फॉर्म भी जो है आपके 13/5/2024 से, ओपनिंग डेट 13/5/2024 है, क्लोजिंग डेट जो है 12/6/2024 में रहने वाली है। लगभग आपको एक महीने का यहाँ पे टाइम दिया गया है। और देखिए इसमें कौन कौन जो है एलिजिबल होंगे। ऑल सर्विंग एलिजिबल सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे एक्सक्लूडिंग, यानी आरपीएफ और आरपीएस के अलावा जो भी सर्विंग रेगुलर एम्प्लॉय है जो इसके लिए एलिजिबल है, जो जीडीसी की पहले एलिजिबिलिटी थी वही यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। इस लेवल से, जैसे कि लोको पायलट की लेवल 2 की है, तो इस लेवल से नीचे के यहाँ सेम लेवल के भी जा सकते हैं। यदि आप सेफ्टी कैटेगरी से सेफ्टी में जा रहे हो या फिर जो है नॉन सेफ्टी से सेफ्टी में आ रहे हो, तो सेफ्टी से आप नॉन सेफ्टी में नहीं जा सकते हो, तो इसके लिए आप वो लोग इसमें एलिजिबल है। देखिए लोको पायलट के जो पद हैं यहाँ पे 827, बहुत बड़ी भर्ती है आप एक तरह से कह सकते हैं। और इसमें आपको UR के जो 420 पद है, SC के 129 है, 74 ST के, OBC के 204 है, 827 जो है टोटल है। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। और इससे अगर आपने ITI वगैरह या अप्रेंटिसशिप वगैरह कर रखी है, डिप्लोमा वगैरह कर रखा है, तो आप लोग जो है एलिजिबल इसमें रहने वाले हो। और आपका जो है एक ही इसमें एग्जाम होगा, CBT एक ही होगा, उसके बाद में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, और DV और मेडिकल होने के बाद में आपका फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों। इस पर्टिकुलर जोन में अगर कोई भी भाई कार्यरत है और वो एलिजिबल है, उसके पास में एलिजिबिलिटी है LP के लिए, तो यकीन मानिए आप इसमें आराम से लोको पायलट बन जाओगे। इसके अलावा GDC के अलावा भी आपको कई सारी भर्तियाँ डिपार्टमेंटल कोटे की, जो 50% कोटे की भर्तियाँ बड़ी बड़ी देखने को मिल रही है डिवीजन वाइज, वो भी यहाँ भर्ती आएगी। तो लोको पायलट में बहुत बड़ी बड़ी भर्ती आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, काफ़ी टाइम से ट्रेन मैनेजर की भर्ती का इंतजार हो रहा था और आखिर वो यहाँ पे पूरा हुआ और ट्रेन मैनेजर की भर्ती जो है यहाँ पे 375 पदों पे भर्ती निकली है। ऐसी इतनी भर्तियाँ जो दोस्तों एक जोन से आपकी डायरेक्ट भर्ती के अंदर NTPC के थ्रू भी इतने पद नहीं आते हैं जितने आपके डिपार्टमेंटल भर्ती GDC के माध्यम से दिए गए हैं। इसके लिए A2 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हो। और बशर्ते कि आपका जो लेवल है वो, जैसे कि कोई लेवल फाइव की जॉब है, तो इसमें जो लेवल फाइव तक के लोग ही एलिजिबल है, वही फॉर्म भर सकते हैं। जैसे स्टेशन मास्टर है कोई और वो चाहे कि मैं गार्ड बनूँ, तो वो नहीं बन सकता। और इसके अंदर एक ही आपका एग्ज़ाम होगा, CBT एक ही होगा, उसके बाद DV मेडिकल होंगे। तो ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी भर्तियाँ। और यहाँ से जो भी भाई लोग एलिजिबल है वो तैयारी कीजिए, आराम से आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिए EBC जो है आपका EWS है और उनको रिजर्वेशन रहेगा। PWD कैंडिडेट जो है वो इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। और भी कई सारी चीज़ें इसमें दी गई है इंस्ट्रक्शन, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा वाइड नोटिफिकेशन। आज जाके आप आराम से इसको पढ़ लीजिए क्या कुछ है। और देखिए यहाँ पे कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। नॉन सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी में जा सकते हो, सेम लेवल में सेफ्टी टू सेफ्टी कैटेगरी में जा सकते हो, और सेफ्टी कैटेगरी से आप नॉन सेफ्टी कैटेगरी में नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पे दोनों ही जो पोस्ट है वो सेफ्टी कैटेगरी के है। तो आप अगर किसी लेवल में सेम लेवल किसी में काम कर रहे हो, तो आप जो है सेफ्टी में आ सकते हो, नॉन सेफ्टी से सेफ्टी में भी आप आ सकते हो। और भी कई सारे इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए हैं। डेट आप देख लीजिए, DOB जो है आपका 1842
यू आर का रहने वाला, ओबीसी का 1845, एससीएसटी का 1847। डिपार्टमेंटल भर्ती है, इस जोन में जो जो भाई कार्यरत है वो सभी लोग इसमें एलिजिबल होंगे, SER साउथ सेंट्रल ईस्टर्न रेलवे के अंदर। और देखिए ऐसी भर्तियाँ आपको अलग अलग जोन से भी देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छी भर्तियाँ। स्टेशन मास्टर की भर्तियाँ इसलिए नहीं आई क्योंकि NTPC के अंदर बहुत सारे पद इस बार भरे गए थे और स्टेशन मास्टर के पद जो एग्जिस्ट हो गए थे, तो फिलहाल जो आपको स्टेशन मास्टर की वैकेंसी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। और अगर भर्ती आएगी तो बहुत कम भर्ती आएगी, NTPC के अंदर भी स्टेशन मास्टर के जो पद है वो कम देखने को आपको मिलेंगे। बाकी जो है ट्रेन मैनेजर की और लोको पायलट के बहुत सारे पद खाली है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो है इतनी भर्तियाँ नहीं निकली थी, 25% पद ही निकाले गए थे, बाकी 50% जो है LP कोटे से भरे जा रहे हैं और इस पर बाकी के GDC माध्यम से पोस्टें भरी जा रही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई दी है क्या कुछ रहने वाला है, बस ये है कि आपका जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो HRMS वगैरह में ऐड होनी चाहिए और सारा कुछ इसमें अपडेट रहना चाहिए। मोड ऑफ एप्लीकेशन, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे वो ऑफलाइन जो भी करेगा उसका एलिजिबल नहीं होगा। और इसके आगे बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई है, देखिए स्टेप टू बी फॉलोड विद रजिस्ट्रेशन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, वंस डेट इज सेव्ड एंड एप्लीकेशन इज सबमिटेड नो डाटा कैन बी चेंज्ड, ये आप ध्यान रखिएगा, ये डाटा आपका जो एक बार सबमिट होने के बाद में चेंज नहीं होगा। और भी कई सारी चीज़ें दी गई है, आप जो है सिग्नेचर वगैरह सही से करिए रनिंग लेटर में, और भी आप फोटो वगैरह हैं वो सही साफ सुथरी इसमें लगाइए। और दूज वो आर नॉट विलिंग फॉर पोस्टिंग इन वॉल्यूम ट्रांसफर नीड, अब देखिए GDC की भर्ती है तो इस GDC में इस SER के अंदर जो जो आपके जोन पड़ेंगे, जो जो डिवीज़न पड़ेंगे वहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जबकि डिपार्टमेंटल कोटे की जो भर्ती आई थी 50% LP की वो डिवीज़न वाइज आई थी, तो जिस डिवीज़न में आप कार्यरत हो उसी डिवीज़न में आपको पोस्टिंग मिलेगी। लेकिन GDC में आप इस जोन के अंदर कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। SC ST OBC का आप फायदा लेना चाहते हो तो आपके पास में सारी कोई डिग्रियाँ होनी चाहिए, और भी कई सारी चीज़ें इसमें दी गई है तो आप आराम से इसमें देख लीजिए। बाकी बड़ी बात यह है कि बड़ी भर्ती है लोको पायलट की, और लोको पायलट की तो खैर देखने को मिलेगी, ट्रेन मैनेजर की बहुत बड़ी भर्ती है, 375 पद बहुत होते हैं, NTPC के अंदर डायरेक्ट भर्ती आपको इतनी देखने को नहीं मिलती है। तो आप सभी लोग जो है इसकी तैयारी कीजिएगा, आपका आराम से यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। और भी जो जोन है सभी जोन से ऐसी भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी, बाकी ये जो है एक तरह से गुड न्यूज़ कह सकते हैं आपके साउथर्न ईस्टर्न रेलवे वालों के लिए। तो सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई, आप आराम से तैयारी कीजिए, आराम से सिलेक्शन लीजिए, आपका आराम से सिलेक्शन 2024 में सबका प्रमोशन होगा क्योंकि बड़ी बड़ी भर्ती आपको यहाँ पे देखने को लगा। तो ये एक छोटा सा अपडेट था, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी, वीडियो आपको अच्छा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, थैंक यू।